नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका बाइक देखो में। ये है रॉयल एनफील्ड की फर्स्ट ट्विन सिलेंडर हिमालयन। एक्चुअली ये हैवी और नेवी, बिकॉज ये ऑफिशियल रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल नहीं है। हिमालयन 650 का तो हमने खबर सुना है, वो आने वाला है। ये एक कस्टम बिल्ड हिमालयन है और इसकी खासियत है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दुनिया की पहली पैरेलल ट्विन हिमालयन है। इसमें दो हिमालयन का इंजन यूज किया गया है। इसके लिए इस मोटरसाइकिल का नाम है हिमालयन 822। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो इंजन हिमालयन का यूज किया गया है, उसको मेट करने के लिए एक सिंगल क्रैंक यूज किया गया है। और एक खासियत है इस मोटरसाइकिल की, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कार्बोरेटेड वाला इंजन है। दिस इज नॉट द BS6 इंजन, ये जो BS3 इंजन था फर्स्ट जनरेशन हिमालयन का, उसका इंजन है। अब बात करते हैं हम डिटेल्स की। पावर फिगर्स का इनका कहना है कि ये लगभग 45 से 50 हॉर्स पावर का मोटरसाइकिल का इंजन है। कितना टॉर्क है ये हमें पता नहीं, क्योंकि अभी तक इन्होंने इसे डायनो टेस्ट नहीं किया, पर उनका कहना है कि टॉर्क काफी सारा ज्यादा है। अब इंजन की तो बात हो चुकी है, अब सुनते हैं इस इंजन का एग्जॉस्ट नोट कैसा है। तो आपका इसको इंजन नोट कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अब बात करते हैं, इंजन तो नया है, इंजन के साथ साथ मोटरसाइकिल में काफी सारा मॉडिफिकेशन भी हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें एक बड़ा ऑयल कूलर लगा हुआ है। ये इंटरसेप्टर 650 वाला बड़ा वाला ऑयल कूलर यूनिट है। जो आप फ्रेम देख सकते हैं, बिकॉज इंजन काफी चौड़ा है तो फ्रेम को भी मॉडिफाई किया गया है ताकि ये ज्यादा वाइड हो सके। प्लस इंजन का वेट भी बढ़ चुका है तो मोटरसाइकिल का जो फ्रेम है उसको काफी सारा स्टिफन अप भी किया गया है। अब आगे चल के देखते हैं, अब सस्पेंशन की बात करें, अगेन सस्पेंशन को भी चौड़ा किया गया है, इसका स्प्रिंग्स चेंज किया गया है बिकॉज ज्यादा लोड लेने के लिए, बिकॉज परफॉर्मेंस काफी बढ़ चुका है। तो इसमें ब्रेकिंग हार्डवेयर आप देख सकते हैं कि ट्विन डिस्क ब्रेक का सेटअप है, पर इस पे आपको ABS नहीं मिलता है बिकॉज ये BS3 वाला हिमालयन का इंजन है। आगे बढ़ते हैं, आप फ्रेम को भी देख सकते हैं कि काफी चौड़ा हो चुका है। सीट ऑल न्यू है बिकॉज अगेन फ्रेम का मॉडिफिकेशन जो हुआ है। पीछे आते हैं, जो मोनोशॉक है, अगेन इसका ट्रैवल भी बढ़ाया गया है और ये अलग यूनिट है बिकॉज एक्स्ट्रा वेट की वजह से। और लास्ट डिटेल है इसका स्विंग आर्म, इसे भी लंबा और चौड़ा किया गया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें टायर्स जो है ये काफी ऑफ रोड स्पेसिफिक टायर्स है, जो हिमालयन वाले नहीं है। अब लास्ट डिटेल है इसकी स्टाइलिंग की। इसके जो बॉडी पैनल्स है ये काफी इसको स्लीक बनाते हैं, दिखने में काफी अच्छे बनाते हैं। जो पैनल्स है ये आके यूज किए गए बाय ऑटोलॉग ये पैनल को ट्राई कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो श्योर नहीं है कि ये बनाना चाहिए कि नहीं। अगर आप एक हिमालयन ओनर हो या आप हिमालयन खरीदने का प्लान कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि ऑटोलॉग ये पैनल बनाना चाहिए, बॉडी पैनल, कमेंट्स में जरूर बताइए। और एक चीज आगे आप देख सकते हैं, जो हेडलाइट है ये किस मोटरसाइकिल से लिया गया है, कमेंट्स में हमें प्लीज बताइए। तो ये था हिमालयन 822 बाय ऑटो एंजिना। ये पुणे बेस्ड कस्टम बाइक बिल्डर्स है। दिखने में ये मोटरसाइकिल काफी सुंदर दिख रहा है, परफॉर्मेंस हमने चलाया नहीं बट हम इसे जल्द चलाने वाले हैं। आपको ये मोटरसाइकिल कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। और ऑटो इंजीनियर का कहना है कि ये लिमिटेड एडिशन में शायद से प्रोडक्शन में जा सकता है 10 से 15 यूनिट। अगेन ऑब्वियसली ये रोड लीगल तो होगा नहीं। प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 10 लाख रुपए का ये हो सकता है। तो कैसा लगा आपको ये हिमालयन 822, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए और हम इसे जल्द ही चलाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।